नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों चारपाई देख रहे, नई डिजाइन की चारपाई 2022 की अलग डिजाइन है दोस्तों इसमें। और ये आपको पार्ट 3 दिखा रहा हूँ मैं। पार्ट 1-2 में मैंने बताया था कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कैसे डिजाइन बनाते हैं। भी यदि वो वीडियो आपने देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखा तो इस वीडियो के ऊपर की तरफ राइट की तरफ आई बटन होता है, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं सीधे चारपाई पे। देखिए यहाँ पे आप मैंने क्या क्या है आपको बता देता हूँ मैं। डिजाइन के साथ साथ थोड़ा मॉडिफाई भी करेंगे अभी आगे। यहाँ पे 6 दबा के 3 उठाई है, फिर ये 3 दबाई है और 3 दबाकर ये 6 रस्सी उठाई दोस्तों। फिर यहाँ पे 3-6 दबाई और 6 रस्सी ही उठाई दोस्तों। तो ये देखेंगे, फिर ये 6 दबाई 6 उठाई, यहाँ पे 6 दबाई 6 उठाई। इसमें देखो चेंजिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, चेंज कैसे करते हैं। और फिर यहाँ पे 6 दबाकर 6 रस्सी उठा लिए, यहाँ पे आपको चेंज करने 3 दबाकर आपको दोस्तों 3 रस्सी ही उठा ले गए। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई मैंने किया है दोस्तों, ये आप देख पाएंगे। यहाँ पे 3 दबाकर 3 उठा लीजिए, फिर यहाँ पे 6 रस्सी आप दबा दीजिए। सबसे पहले काम तो ये है, ये दोस्तों आपको बता देता हूँ 3 कड़िया की खाट है। इससे पहले आपको कहीं भी 3 कड़िया खाट नहीं देखने को मिलेगी। आपको चौकड़िया की, 5 कड़िया की, 6 कड़िया की, 8 कड़िया की, 9 कड़िया की या 10 कड़िया की, वो चारपाई आप देखेंगे, ऐसी चारपाई आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। और वैसे ये सबसे सिंपल है, इसलिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर है, वो कमेंट आता कि सिंपल चारपाई बताइए, तो इसलिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ दोस्तों। यदि इसमें और भी आपको डिजाइंस की चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं और भी आने वाले समय में आपको लेटेस्ट डिजाइन 2022 में आपको दिखाऊंगा ताकि आप आसानी से बना सकें दोस्तों। तो वो भी आप देखेंगे किस प्रकार से आपको बनाई जाती है। देखो ये 3-3 का सिक्वेंस के साथ साथ चलेंगे हमें, हर चारपाई में आपको ये सिक्वेंस होता है। यहाँ पे 3 का सीक्वेंस चल रहा है क्योंकि 3 के साथ ही हम 3 कड़िया खाट बना रहे हैं, चौकड़िया बना रहे हैं तो 4 का सीक्वेंस, 5 कड़िया तो 5 का सीक्वेंस, 6 कड़िया में 6 का सीक्वेंस होता है दोस्तों, 9 कड़िया में 9 का, 12 में 12 का होता है, 10 में 10 का। और 10 की अभी मैंने खाट नहीं बनाई है, तो वो भी आपको आने वाले समय में दोस्तों आपको बनाकर दिखाऊंगा कि 10 कड़िया खाट कैसे बनाई जाती है। तो सभी प्रकार के आपको खाट देखेंगे हमारे पास। अभी तक सिर्फ आपको चौकड़िया की, 5 कड़िया की, 6 कड़िया की और 8 कड़िया की, 12 कड़िया की देखी थी दोस्तों। अब ये मैं 2022 में आपको 3 कड़िया खाट और 10 कड़िया खाट दिखाऊंगा दोस्तों, तो वो भी आपको देखेंगे सिंपल। आपको सबसे पहले सिंपल बताऊंगा मैं, उसके बाद में डिजाइंस की, तो दोनों चीज़ आप देखेंगे। सिंपल भी देखना चाहिए तो सिंपल देख लेंगे और डिजाइंस देखना चाहेंगे तो आपको डिजाइंस मिल जाएंगे दोस्तों। वो सब आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको डिजाइंस की चारपाई भी बता दी जाएगी। ये देखिए 3 रस्सी हमारे सीक्वेंस में हो गई है पूरी, तो इस प्रकार से आपको यहाँ से चेंज कर देना दोस्तों, ये चीज भी आपको ध्यान रखेंगे। इससे पहले मैं 3 रस्सी कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों एक पगात डालते हैं, तो वो डाल लेते हैं हम। ये निश्चित रस्सी काट रखे पगात की, वो भी आप देख लीजिए, तो इस प्रकार से पगात भी हम डाल देते हैं। अब देखिए, अब आप चाहे तो सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे 6 दबाकर आपको ये 3 रस्सी के उठाने के बजाय आप 9 रस्सी उठा सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करना है तो कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे 3 दबा के 6 उठाई, भी 6 दबा के 6 उठाइए, फिर यहाँ पे दोस्तों ये 12 रस्सी उठा देंगे। देखिए इस प्रकार से आपको सीक्वेंस चेंज करना है। फिर यहाँ पे ये आपको 6 रस्सी दबा देना है और 6 रस्सी दबाकर दोस्तों ये 6 रस्सी उठा लेनी है। फिर यहाँ पे आपको 3 दबाकर ये 9 रस्सी उठा लेनी है और फिर यहाँ पे ये 3 रस्सी आपको दबा देना दोस्तों। देखो सीक्वेंस आपको चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको रस्सी घटाना और बढ़ाना चाहिए। वही डिजाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, किस प्रकार से आपको डिजाइन इसमें निकालना है, तो इस प्रकार से आप डिजाइन इसमें निकाल सकते हैं। और ये रस्सी इस प्रकार से एडजस्टेड आपको 3 रस्सी ही डालना है दोस्तों, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है।
वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा लूज भी नहीं तो ज़्यादा टाइट भी रस्सी नहीं डालना है। यहाँ पे 6 दबाकर आपको 9 रस्सी उठा लेनी है, फिर आपको यहाँ पे 3 दबाकर आपको 6 रस्सी उठा लेनी है, और 6 दबाकर आपको ये 12 रस्सी उठा लेंगे, फिर 6 दबाकर आपको ये 12 रस्सी उठा लेंगे, फिर यहाँ पे 3 दबाकर आपको ये 9 रस्सी उठा लेंगे, फिर यहाँ पे ये 6 रस्सी हम दबा देंगे। ये देखिए आप, इस प्रकार से हमारे डिजाइंस बनेंगे। ये सबसे सिंपल और आसान डिजाइंस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप आसानी से समझ सके। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ताकि आप भी, आपको चाहिए तो सेम बना सकते हैं। इस प्रकार से लहर को आपको आगे चलते रहना देना है, ये लहर आप चल रही है दोस्तों, इसको आगे चलते रहना है तो हमारी सेम बन जाएगी दोस्तों। यदि इसे मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है इसी प्रकार से मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर लीजिए। यदि सेम बनाना तो इस लहर के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए, हमारी सेम चारपाई बन जाएगी दोस्तों। तो दोनों में आपको जो भी आपको अच्छा लगेगा वो बना सकते हैं दोस्तों। सेम बनाना तो सेम बना लीजिए, थोड़ा मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। ये दोनों चीज आपको दिखाया ताकि आप आसानी से बना सके। इसको सेम भी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा इसका आगे का दोस्तों, पर्टिकुलर वीडियो बनाकर, ताकि सेम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो वो भी आप रेगुलर आप हमारे चैनल पे बने रहिए तो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यदि मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे और सेम बनाना है तो कैसे करेंगे, तो वो यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको सेम वीडियो भी इसका डाल आगे का डाल दूंगा मैं, कि इस प्रकार से बना जाते हैं। एक बार ये आपको डिजाइन बता देता हूँ, उसके बाद में इसको उधेड़ के दोबारी से आपको सेम बना कर दिखा देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप चलते रहिए, थोड़ा डिजाइन आपको बनती भी नजर आ जाएगी। ये देखिए हमारी 3 रस्सी कंप्लीट हो गई है। अब आपको और भी ध्यान देना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ये आपको 3 रस्सी ले लेना पड़ेगा दोस्तों। अब थोड़ा सा और भी आपको सीक्वेंस के ध्यान देने की जरूरत होगी। अब यहाँ पे देखिए ये आपको 6 रस्सी दबाकर 6 रस्सी उठा लेनी है, और यहाँ पे ये आपको 3 रस्सी दबा देनी है, और 3 दबाकर आपको ये 6 रस्सी उठा लेनी दोस्तों, और फिर यहाँ पे आपको ये 3 दबाकर और ये 6 रस्सी है ये उठा देंगे दोस्तों, और फिर यहाँ से दोस्तों फिर से आपको मॉडिफाई करना है, ये 6 दबाकर आपको ये 6 रस्सी उठा लेंगे, ये आप देखेंगे, फिर यहाँ पे 6 दबाइए और ये 6 रस्सी उठाइए आप दोस्तों, और 3 दबाकर आपको ये 3 रस्सी उठा लेना है, उसके बाद में ये आपको 6 रस्सी उठाकर आपको ये 3 रस्सी ही दबा देना दोस्तों। तो यहाँ पे ये 3 दबा देंगे और ये 6 रस्सी उठा लेंगे, और यहाँ पे फिर से आपको ये 6 रस्सी ही दबानी है, ये चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए इस प्रकार से आपको अलग डिजाइंस बनती हुई नजर आ जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो रस्सियों को समझ में आ जाएगा दोस्तों, इसमें डिजाइंस किस प्रकार से बनती है वो देखिए। थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ ताकि चारपाई की जगह हमारी बराबर हो जाए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों देख रहे हैं आपको डिजाइंस बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पे फूल भी बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी आपको फूल बनता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से चारों कोणों में 4 चौकी आप बना सकते हैं दोस्तों। ये आपके ऊपर है, अलग अलग डिजाइंस के साथ ये सभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं दोस्तों। इससे पहले भी मैंने ऐसी और भी वीडियो बनाई थी दोस्तों चारों कोणों में 4 चौकियों की, तो वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाई जाती है। छोटी बड़ी चारपाई में सभी में आपको उसका सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आपको सीक्वेंस बनाएंगे तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों। उसमें ऐसे और भी फूल बनाना है तो और भी बना सकते हैं, या इसी प्रकार से आपको डिजाइन बनाना है तो ये बना सकते हैं इसमें। यहाँ पे 6 दबाई 6 उठाइए, फिर 6 दबाई 3 उठाइए, फिर यहाँ पे 6 दबाई 6 उठाइए, फिर यहाँ पे 3 दबाई है और 6 उठाइए, और फिर यहाँ पे वापस से 6 रस्सी दबा दी और ये 6 रस्सी उठा ली है। ये सीक्वेंस को आप समझिए दोस्तों। फिर यहाँ पे 3 दबाई है मैंने और ये 6 रस्सी उठाई है, फिर यहाँ पे 6 दबाकर आपको ये 3 रस्सी उठाई है, फिर यहाँ पे वापस से ये 6 हमने दबाई है और ये 6 रस्सी उठाई है, और ये फिर आपको 6 रस्सी वापस से दबा दी दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारा सीक्वेंस चल जाएगा। देखिए ये थोड़ा रस्सी को लूज रखे, बराबर रखे, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए दोस्तों।
थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते रहना पड़ेगा इस प्रकार से, नज़दीक आइए हमारा, इस प्रकार से कर दीजिए आप, बराबर रस्सी हमारी हो जाएगी दोस्तों। और इसमें सभी में आपको सेम डालती है नजर आना है, तीन रस्सी आपको सेम डालना है। तो इसमें देखा आप मॉडिफाई आपको करता हुआ दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से हम चली थी, ये लहर इस प्रकार से चेंज हो जाएगी और ये लहर इस प्रकार से आपको बंद हो जाएगी दोस्तों। तो इसी प्रकार से लहरें आपके आपस में चेंज हो जाएंगी दोस्तों, तो वो कर सकते हैं इसमें। तो सेम बनाना है तो सेम भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा दोस्तों आगे, ताकि आप सेम भी बना सकें। और भी यदि डिजाइन देखना है तो चारपाई के अंदर नाम, मोबाइल नंबर देखना है, हाथी, घोड़ा, मोर, ऊंट, तोता देखना है तो वो भी देख सकते हैं, या फिर दोस्तों बोतल में चारपाई के बारे में देख सकते हैं, सीढ़ी के बारे में, नाव के बारे में, वो भी पर्टिकुलर्स मैंने बताया दोस्तों। और एक चारपाई में चार पीढ़ी भी डाल के दिखाई है, दो भी चारपाई दिखाई है, और मैं आपको 2022 में लेटेस्ट में दोस्तों चार चारपाई भी डाल के दिखाऊंगा, तो वो भी आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे रेगुलर, तो ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और भी एक नई डिजाइन से आपको नाम भी लिखकर दिखाऊंगा दोस्तों, 2022 में आपको एक नई डिजाइन से नाम लिखकर दिखाऊंगा, तो वो भी आप देखेंगे आने वाले समय में, सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, और बहुत सी चीज़ आप सीखने को भी मिलेगी दोस्तों। और भी मैं आसान बना रहा हूँ ताकि आप आसानी से जल्दी से सीख सकें दोस्तों, और हमारे चैनल पे बने रहें आप। और ऐसी आपको डिजाइन की वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ बेल का बटन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बेल के बटन दबाने से क्या होगा दोस्तों, जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आप सभी पार्ट आप देखिए, ये आपसे अंतिम रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखें अंत तक देखें और सभी पार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा। देखिए इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करते रहिए ताकि रस्सी बराबर हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों देख पा रहे हैं कि चारों कोना में यहाँ पे देख बड़ा फूल बना दिया, यहाँ पे छोटा फूल बना दिया, देखो ये आपको लहर मैच हो गई, तो यहाँ से ये भी लहर मैच हो गई। तो इस प्रकार से चारों कोना में चार फूल बना सकते हैं, या फिर इसमें दोस्तों ये जैसी लहर हम चल रही थी वो लहर आप चला सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। यदि लहर के बारे में और भी आगे इसको बनाना है पार्ट 3 को, मैं आपको पर्टिकुलर इसी का एक अलग से और वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, जो लहर ये सेम आपको कैसे बनाना है, ये सिर्फ आपको मॉडिफाई करके दिखाई, यदि मॉडिफाई करना है तो किस पास से करेंगे, तो ये चीज आप देख सकते हैं लेटेस्ट डिजाइन है, ये तिकड़िया खाट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। और ये मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया डिजाइन का, ये भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।